हेलो एवरीवन, स्कूल शिक्षक भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 2024-25 के सेशन के लिए टीचर्स की जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट की गई है। पीआरटी के सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है। प्राइमरी टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के वैकेंसी आई हुई है। स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर, डीपीएस। तो काफ़ी अच्छा स्कूल होता है डीपीएस, क्योंकि यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। सैलरी जो है आप लोगों को 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाएगी। आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहां पर आप लोगों को मिलेगा और एडवर्टीजमेंट डिटेल में देखने को कहां पर मिलने वाली है। तो सारी चीजें हम देखेंगे मेन वेबसाइट पर जाकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूं, जो कि मेन वेबसाइट पर ही आप लोगों को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म 2024-25 के लिए, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से भर लेना है। बहुत ही जो है सिंपल तरीके से दिया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो यहां पर अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, और इसके अलावा जो है यहाँ पर बाकी फादर नेम, हस्बैंड नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन जो है आप लोग यहाँ पर जो है फिल कर देंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फ्रेशर भी जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को मेन वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट की गई है। तो सबसे पहले आप देखें पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस की वैकेंसी है। पीआरटी में यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, और साथ में डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीचर की भी वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। काउंसलर यहाँ केवल फीमेल कैंडिडेट ही जो है अप्लाई कर सकती हैं। यदि आपने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके साथ में जो है काउंसलिंग, आपके पास डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है आपकी इस सब्जेक्ट में जो है वो कमांड होनी चाहिए, यानी आप लोग जो है वो अच्छा सा पढ़ाना जानते हों, और साथ में आपने बीएड और सीटेट क्लियर किया है, या कोई भी टेट आपके पास हो। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है मास्टर डिग्री और साथ में यहाँ पर बीएड मांगा गया है। ठीक है, परसेंटेज का जो है यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है। कोई भी जो है यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से किया है और परसेंटेज जो है वो आपकी कितनी भी रही हो। नेक्स्ट, यहाँ पर सैलरी, सीपीएफ, ग्रेजुएटी एटसेट्रा, यानी काफ़ी जो है फैसिलिटी सैलरी के साथ में आप लोगों को मिल रही है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। यानी अगर हम कहें तो मिनिमम जो सैलरी है वो आप लोगों की 60,000 रहेगी, और इससे अधिक जो है आप लोगों को पीजीटी तक जो है सैलरी मिलने वाली है। डीपीएस जो है वो काफ़ी अच्छा स्कूल रहता है, सैलरी भी ऐसे स्कूल्स की जो है काफ़ी अच्छी रहती है। यदि आप यहाँ पर एक साल अच्छे से जो है वो जॉब कर लेते हैं और आपका वर्क भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है स्कूल्स को जो है समझ में आता है, तो आपको जो है ये नेक्स्ट ईयर भी जो है यहाँ पर रखते हैं। बाकी अगर आप एक साल भी जो है यहाँ पर आप कर लेते हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस जो है वो आपको बहुत काम आने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे मेन वेबसाइट पर, www.dpsjodhpur.in, ये इसकी मेन वेबसाइट पर है। गूगल पर आप सर्च करेंगे, वहीं पर आप लोगों को ये एडवर्टीजमेंट मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के जो है 250 रुपये जो है डिमांड ड्राफ्ट के जो है यहाँ पर आपको पे करना होगा। स्कूल के नाम का आप डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाकर बनवा लेंगे, डीपीएस जोधपुर। ठीक है, और 15 दिन के अंदर ही जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके भेज देना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जब जारी हुआ है उसके 15 दिन के अंदर ही जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जिनको ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे उन्हीं को जो है वो कॉल आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कैसे जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन चेक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे dpsjodhpur.in, तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा स्कूल की मेन वेबसाइट का। और यहाँ सबसे टॉप पर आप देखेंगे, सबसे ऊपर स्टाफ रिक्वायरमेंट्स फॉर सेशन 2024-25 आपको रनिंग में नजर आएगा। इसी पर बस आप लोगों को क्लिक करना है। तो ये देखिए एडवर्टीजमेंट आ गया आपके सामने। यहीं पर आप लोगों को एड्रेस मिलेगा और ईमेल भी आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होगा, इसे डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे। ईमेल करना है तो ईमेल कर सकते हैं, और बाय पोस्ट अगर आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट ही जो है वो आप लोग करें तो समय पर पहुंचेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।